यानी 11। क्लियर है। एक नाव धारा के दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। 100 किलोमीटर जा रही है 10 घंटे में, और धारा के प्रतिकूल 75 किलोमीटर जाती है 15 घंटे में। 75 किलोमीटर जाती है 15 घंटे में, ठीक है। तो वही बात है, यहां से भी अनुकूल की चाल पता करो। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो स्पीड आई 10 किलोमीटर पर आवर। और यहां पता कर लीजिए, प्रतिकूल में 75/15 तो आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। यानी ये तो है अनुकूल और ये प्रतिकूल। हमें पूछिए धारा की गति। मैंने क्या ट्रिक बताई थी, धारा के लिए घटाकर 2 का भाग। तो प्यारे साथियों, धारा की स्पीड हो जाएगी -/2, 10 -5/2 यानी 5/2 यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर यहां से नाव की स्पीड होती साथियों, क्या करते, जोड़कर 2 का भाग जो आती 7.5, और 7.5